Hello friends, welcome back to the new session. In the previous lectures, we have discussed different physical processes, chahe wo melting ho, boiling ho, freezing ho, ya sublimation ho. Humne dekha ki in process mein jo one form hai, one state hai matter ka, wo dusre form mein convert hota hai. Now in the today's session, we will discuss another most important physical process, that is evaporation and factors affecting the evaporation. What is this evaporation? Evaporation actually is a physical process by which liquid gets converted into gaseous form at any temperature below its boiling point. Evaporation may be jo liquid form hai, jo liquid state hai, wo gaseous form mein convert hota hai. Lekin phir antar kya hai, difference kya hai evaporation aur boiling mein? Pehle hum thoda boiling ko yahan pe recap karne ki koshish karenge. In boiling, humne dekha jo liquid form hai, liquid form that converts into the gaseous form. यहाँ पे भी liquid form gaseous form में convert होता है. लेकिन यहाँ पे हमने दो conditions study किए. At boiling point and atmospheric pressure. यानी जब boiling point और atmospheric pressure पे जो liquid form है वो gaseous form में convert हो जाए, हमने उसको boiling के नाम से जाना. उसको हमने एक example के साथ यहाँ पे discuss किया था. सपोज हमारे पास वाटर है, जब हम इस वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लिक्विड वाटर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर. इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं. व्हाट इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर? सब ये रहा बॉइलिंग ऑफ वाटर. व्हाट इज इवापोरेशन ऑफ वाटर? देखिए स्टूडेंट, जब किसी भी टेम्परेचर पे एट 5 डिग्री सेल्सियस, एट 7 डिग्री सेल्सियस, एट 99 डिग्री सेल्सियस यानी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जब वाटर लिक्विड वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन के नाम से जानते हैं. आई होप आपने अंडरस्टैंड किए. यानी लिक्विड फॉर्म चेंजेस टू द वेपर फॉर्म इवन एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एयर प्रेशर. यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना नेसेसरी नहीं है. बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर एट नॉर्मल एयर प्रेशर कंडीशंस, जब लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको हम इवापोरेशन के नाम से जानते हैं. नाउ वी विल डिस्कस इन डेप्थ दिस प्रोसेस हियर. देखिए स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. सपोज मैंने यहाँ पे एक लिक्विड बीकर लिया, जो यहाँ पे पार्टिकल्स है, दीज आर एक्चुअली दी लिक्विड पार्टिकल्स. आपने देखा होगा जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं. दे आर इन मोशन, दे आर नॉट फिक्स्ड. यहाँ पे मोशन है इन पार्टिकल्स का. ड्यू टू दिस मोशन देयर इज कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स. जो एक पार्टिकल्स है ये आपस में कोलाइड करते हैं. ड्यू टू दिस कोलिजन यहाँ पे जो स्पीड्स है, यहाँ पे जो मोशन है इन पार्टिकल्स का वो डिफरेंट है. आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एसोसिएटेड है विद द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो मोशन है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट है. इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा इन पार्टिकल्स का वो भी डिफरेंट होगा. जो यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, द सरफेस मॉलिक्यूल्स दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द बॉटम मॉलिक्यूल्स. क्योंकि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द रूम टेम्परेचर. जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है दे आर टच विद द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीट दैट दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो इनकी एनर्जी है सरफेस मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लोअर मॉलिक्यूल्स. फिर क्या होता है, जो लिक्विड जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. क्योंकि इनके पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे डिक्रीज होता है. विद दिस डिक्रीज दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर. इस तरह से यहाँ पे जो वाटर वेपर फॉर्म होता है. आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह से ये इवापोरेशन यहाँ पे होती है. नाउ वी विल डिस्कस हियर एज सून एज द मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड स्टेट वी से इट हैज इवापोरेटेड. यानी जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से यहाँ पे इवापोरेट होते हैं, चले जाते हैं इनटू द वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी कॉल दिस एज इवापोरेशन. आई होप आपने प्रोसेस यहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा.
Now we will discuss here factors affecting the rate of evaporation. यहाँ पे बहुत सारे factors हैं जो हमारे evaporation को affect करते हैं, या तो कम कर सकते हैं या तो ज्यादा कर सकते हैं. The first one is surface area. देखिए student, हमने अभी देखा जो evaporation है ये surface phenomena है, ये surface molecules पे होता है. जो surface molecules है इनके पास जो kinetic energy है वो ज्यादा होती है. जब थोड़ा सा हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं दे कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट. यानी जितना ज्यादा मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द इवापोरेशन. क्योंकि जो इवापोरेशन है ये सरफेस के रिलेटेड है. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारा उतना ज्यादा हमारा इवापोरेशन रेट ऑफ इवापोरेशन होगा. नंबर सेकंड इज टेम्परेचर. देखिए स्टूडेंट, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द इवापोरेशन. जितना ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर का या एनवायरमेंट का उतना ज्यादा यहाँ पे एनर्जी होगा किसका, सरफेस मॉलिक्यूल्स का. वो ज्यादा हीट यहाँ पे अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर. ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन हीट देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम होता है. ड्यू टू दिस सरफेस मॉलिक्यूल्स दे इवापरेट इनटू द वेपर स्टेट हेयर. नंबर थर्ड इज ह्यूमिडिटी. व्हाट इज दिस ह्यूमिडिटी. देखिए स्टूडेंट, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है जो एयर है इसका कैपेसिटी है कि ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है अपने अंदर अप टू सर्टेन लेवल. इसकी अपनी फिक्स्ड कैपेसिटी है, डेफिनेट कैपेसिटी है जहां तक ये वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है. व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन इज लो एंड द वाटर इवापोरेट्स वेरी स्लोली. देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा होगा. क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का एक फिक्स्ड कैपेसिटी है, वो पर्टिकुलर लेवल तक ऑप्टिमल लेवल तक अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको होल्ड कर सकता है. जब ऑलरेडी हमारे पास ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो उसमें ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जो इसकी कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे कम होती है. इसकी वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो यहाँ पे लो रेट पे इवापोरेट करते हैं. क्योंकि उनको जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसके पास ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. इस तरह से जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो हमारे एयर में जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो ज्यादा होता है. इसी तरह व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई एंड वाटर इवापोरेट्स मोर रेडली. जब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर लो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो, जो वाटर होल्डिंग का कैपेसिटी है हमारे एयर का वो यहाँ पे इंक्रीज होता है. ड्यू टू विच जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है दे इजिली इवापोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर. नाउ द अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इवापोरेशन इज विंड स्पीड. देखिए स्टूडेंट, व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. सपोज हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के ऊपर के साइड में जो यहाँ पे स्पीड है बहुत ज्यादा स्पीड है विंड की, इसकी वजह से जो इस विंड स्पीड की वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो इजिली इवापोरेट करते हैं. क्योंकि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर का एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो विंड स्पीड की वजह से यहाँ इस पोर्शन से मूव हुए. ड्यू टू विच जो ह्यूमिडिटी है हमारे एटमॉस्फेयर का अबोव द सरफेस ऑफ द वाटर दैट डिक्रीजेस. विंड स्पीड से जो ह्यूमिडिटी है पर्टिकुलर पोर्शन का वो यहाँ पे डिक्रीज होता है. जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाए ऑलरेडी जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवापोरेशन. आई होप आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस इवापोरेशन इन डिटेल. थैंक यू सो मच.